हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद राधा। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नाउन जेंडर। इन अ प्रीवियस वीडियो वी हैव बीन स्टडीज अबाउट द नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन आर देयर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वी विल नो दैट व्हाट इज नाउन जेंडर। A noun is used to denote the male or female. Noun can also be used to denote some object which may be neither male or nor female, or they may both male or female. हम सभी जानते हैं कि जेंडर क्या होता है। जैसे आपने कभी फॉर्म फिल किया होगा तो उसमें भी देखा होगा कि जेंडर उसमें फिल करने के लिए आता है कि वेदर इट इज़ मेल और फीमेल। तो यदि आप मेल हैं तो आप मेल उसमें फिल करते हैं, फीमेल हैं तो फीमेल फिल करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे जो फीमेल नहीं होते हैं, मेल नहीं होते हैं। तो इस तरह से हम आगे देखेंगे कि किस किस प्रकार के जेंडर होते हैं। और जैसे लिविंग थिंग्स होती हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, वो भी जेंडर में ही आती हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जेंडर होते कितने प्रकार के हैं। तो जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है मैस्कुलिन जेंडर, सेकंड होता है फेमिनिन जेंडर, थर्ड होता है कॉमन जेंडर और फोर्थ होता है न्यूट्रल जेंडर। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये इसी सीक्वेंस में होंगे, आप इनका सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हैं। फर्स्ट है मैस्कुलिन, तो मैस्कुलिन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है मैन को। अगर हम मैन की बात कर रहे हैं, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ मैन देन That will be masculine gender. If we are talking about a female person, then that will be a feminine gender. और अगर हम male और female दोनों की बात कर रहे हैं तो वो होगा आपका common gender. Neutral gender वो होता है जो किसी भी gender को डिसाइड नहीं करता है, वो ना तो लिविंग होता है और ना ही नॉन लिविंग। नेक्स्ट हम फर्स्ट देखेंगे मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है। मैस्कुलिन जेंडर, अ नाउन दैट रेफर्स टू अ मेल इज सेड टू बी इन द मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैस्कुलिन जेंडर में क्या होता है, जब भी हम किसी मैन की बात करते हैं, जब भी हम किसी मैन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो मैस्कुलिन जेंडर हो जाता है। हेयर इज अ एग्जाम्पल, प्रकाश इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय। मीन्स हम प्रकाश की बात कर रहे हैं और प्रकाश क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बॉय है। इट इज़ नॉट, हम यहाँ पे उसकी क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ प्रकाश की बात कर रहे हैं क्योंकि वो एक मेल है, ठीक है। नेक्स्ट है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर, अ नाउन दैट रेफर्स टू अ फीमेल इज सेड टू बी इन द फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर की जब भी कभी बात हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये आपको अपने माइंड में इमेजिन करना है कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ फेमिनिन जेंडर दैट विल बी अ वेमेन, कि हम किसी वेमेन की बात कर रहे हैं, हम किसी गर्ल की बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम किसी गर्ल चाइल्ड की बात कर रहे हैं, तो फेमिनिन जेंडर हो जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में हम मेल और फीमेल दोनों की बात करते हैं। अनाउन दैट रेफर्स टू बोथ मेल एंड फीमेल इज सेड टू बी इन द कॉमन नाउन या कॉमन जेंडर, ठीक है, यहाँ पे जेंडर होगा। अब कॉमन जेंडर में जैसे हम कुछ एग्जांपल को देखेंगे। कॉमन जेंडर में जैसे हमने कहा कि आर्टिस्ट है, ही इज़ अ आर्टिस्ट और शी इज़ अ आर्टिस्ट, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम आर्टिस्ट कह रहे हैं तो यहाँ पे हमें ये नहीं पता चल रहा है कि वो मेल है या फीमेल है। जब हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मेल है या फीमेल है तभी हमें पता चलेगा। तो क्योंकि हम आर्टिस्ट बोल रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी हमें उसका जेंडर पता नहीं है, दैट मीन्स ये कॉमन जेंडर है। क्योंकि आर्टिस्ट चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आप उसे आर्टिस्ट बोल सकते हैं। इसी तरह से जब हम लॉयर की बात करेंगे तो लॉयर में भी फीमेल और मेल दोनों ही लॉयर होते हैं। ये नहीं ज़रूरी है कि सिर्फ मेल ही लॉयर होता है या सिर्फ फीमेल ही लॉयर होती है। जब भी हम लॉयर की बात कर रहे होते हैं तो उसमें फीमेल और मेल दोनों होते हैं। जब आप क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो वहाँ पे एक जैसे टीचर है तो स्टूडेंट बोलता है, वो ये नहीं बोलता है कि फीमेल स्टूडेंट या मेल स्टूडेंट। तो क्योंकि वो स्टूडेंट बोल रहा है, तो जब वो स्टूडेंट बोल रहा है तो उस स्टूडेंट में मेल जो होंगे स्टूडेंट वो भी इंक्लूडेड होंगे और जो फीमेल स्टूडेंट होंगे वो भी इंक्लूड होंगे। दैट मीन्स हम इसको कॉमन जेंडर में लेंगे। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर किसको रिप्रेजेंट करता है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों को ही न्यूट्रल जेंडर रिप्रेजेंट करता है। अनाउन दैट रेफर्स टू अ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स विच इज नेदर मेल और फीमेल इज सेड टू बी इन द न्यूट्रल जेंडर। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं शी कट द बनाना विद अ नाइफ। अब देखिए यहाँ पे शी क्या है, एक लड़की है, मीन्स वो लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग नहीं है, लिविंग पर्सन है। और बनाना क्या है, नॉन लिविंग है, और नाइफ भी क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, है ना। दैट मीन्स हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट अ लिविंग और नॉन लिविंग बोथ द थिंग्स। हेयर आर सम एग्जाम्पल लाइक टेबल, रोबोट, फ्रूट, अम्ब्रेला एंड चाइल्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।